इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर किस तरीके से हम लोग प्रोफेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हार्डली 40-48 डेज बच गए. तो उनके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजीज लेकर आया और सिंपल पेपर पैटर्न एंड ऑल सब कुछ आपको तो पता ही है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट होते ना, आप फॉलोअप करते रहते हो टाइम टू टाइम. तो आपके लिए सिंपल स्ट्रैटेजीज लेकर आने की कोशिश रहती है, और हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी स्ट्रैटेजीज दूँ, जैसे मैंने आपको कुछ दिनों पहले एसआईपी टू सक्सेस करके मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें 8 से 10 दिन के अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70-80% ऑफ पोर्शन कवर करने की कोशिश की, और उसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक ही है. जो बच्चों ने उसको फॉलो किया उनको रियलाइज हो कि भाई 60-70% पोर्शन मेरा कवर हो चुका है. तो इसमें ज़्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से सिंपल होनी चाहिए. तो आज की वीडियो में को इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप उसको एंड तक देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है और किस तरीके से आपको फॉलोअप भी करना है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बनाना है. ठीक है, आप अपने काम को किस तरीके से मैनेज करते हो, आप अपने शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करते हो, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप आपको डेली, यानी जैसे कि आपको पता है आपके इसमें दो लैंग्वेजेस है, एक आपको इंग्लिश एक आपको हिंदी. ठीक है, जी किसी का हिंदी नहीं होगा तो किसी का मराठी होगा, यानी आपके दो लैंग्वेजेस है. कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके इकोनॉमिक्स है, उसी है और अकाउंट्स है, ये आपके तीन कंपलसरी टॉपिक्स हो गए. और किसी का एसपी होगा या किसी का मैथ्स होगा, यानी ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनानी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स शुड बी अलॉटेड टू दिस सब्जेक्ट्स. वाई दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके रिटर्न में भी आने वाला है और ये अगर आपके रिटर्न में परसेंटेज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. ठीक है, आपके परसेंटेज को बढ़ाने में और घटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है. इसीलिए अगर आप डेली 30 मिनट्स, यानी डेली अगर एक पैराग्राफ का भी प्रैक्टिस अगर आप करते हो, सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजीज है, अगर एक पैराग्राफ आप डेली करते हो तो 40 डेज में 40 पैराग्राफ्स होते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजीज है भाई. अगर आप 40 पैराग्राफ डेली का यानी आपका एग्जाम आने तक करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है. हिंदी इंग्लिश इज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बार बार देखे रहो. ठीक है, अब आपके तीन कंपलसरी टॉपिक्स पर आ जाते हैं. आपको आने वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स, ओसी एंड एसपी. ठीक है, आने वाले वीडियोस में आपको मैं इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ. ठीक है, आपको तीनों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में आने वाले कुछ वीडियोस में देने वाला हूँ, जो अब शूट हो चुके हैं, सिर्फ उसके थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, एडिटिंग करके आपको वो अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छे से थरली प्रिपेयर करते हो तो इसका मतलब आपका एडवांटेज ये होगा कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से करना है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कितना आता है कितना नहीं आता है. ठीक है, और रहा बीके की बात, बीके के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ. ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज पर माई एक्सपीरियंस. अगर आप वो सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे, ठीक है, यानी चाहे वो बोर्ड्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो, कहीं से भी क्वेश्चंस हो, मैं आपको पूरा, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके से मिलेंगे, तो उसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दो तीन चीज़ों की लिंक आई बटन पर देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे. और इम्पॉर्टेंट चीज़, आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ मैं आपको आपके ओसी एसपी इको बीके से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा. और एक बार हमारा ओसी एसपी इको और बीके के कुछ इम्पॉर्टेंट सेशन अगर हो जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी मैं कुछ दिनों बाद लाइव सेशंस चालू करने वाला हूँ, जिसमें आप आपके डाउट्स लेकर आ सकते हैं, वो डाउट्स मैं आपको तुरंत क्लियर करने की कोशिश करूँगा. ये डाउट्स ज़्यादातर बीके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे,
ठीक है, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ एडजस्टमेंट में डाउट आता है जिसकी उनको जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है, तो इसीलिए वीडियो को वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा कि आप इस चैनल पे बने रहे, ठीक है। उसके बाद OCSPE को और PK के रिले इम्पोर्टेंस में आपको लेकर आऊंगा, उससे और इम्पोर्टेंस को आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली उसको फॉलो अप करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको एटलीस्ट क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगा उसको आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैनेज कीजिए, और आपको जैसा लगता है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से डेली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, जैसे आपकी कन्वीनियंस है अब वो क्वेश्चन उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप दिन के एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो ईच सब्जेक्ट, ठीक है, अ क्वेश्चन इन अ डे, एक क्वेश्चन अगर एक दिन में प्रिपेयर करते हो तो 40 डेज में 40 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोज में, तो आप इस चैनल से बने रहेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टाइम को पहले मैनेज कीजिए कि मॉर्निंग का सेशन में आपको क्या करना है, आफ्टरनून सेशन में क्या करना है, इवनिंग सेशन में क्या करना है, और नाइट के सेशन में आपको क्या करना है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रॉपरली उसको फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज क्लियर है कि भाई आपको करना क्या है। ये सारी मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि इको OC और BK SP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट माने जाएंगे इस साल के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और थैंक्स अ लॉट जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मैंने अपना पहला पाइथन दैट इज 1000 सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया होता है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। Thanks a lot.